चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद अब मिशन सूर्य की तैयारी इसरो ने शुरू कर दिया है। माना जा रहा है इसी साल के सितंबर महीने में इसरो आदित्य L1 को लॉन्च कर सकता है। भारत के इस मिशन में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक भी अहम भूमिका निभाएंगे। इसरो के साइंस टीम के सदस्य BHU के भौतिक विज्ञान विभाग के डॉक्टर कुंवर अखिलेंद्र प्रताप सिंह इस मिशन में भी शामिल हैं। कुंवर अखिलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस मिशन में आदित्य L1 के साथ 7 विभिन्न उपकरण भेजे जाएंगे जो सूर्य के सतह की तस्वीरों को कैद करेगा और यह उपकरण सूर्य के विभिन्न पहलुओं की निगरानी भी करेगा। इसके बाद इसका सारा डेटा बेंगलुरु के डीप स्पेस नेटवर्क को भेजा जाएगा। इस डेटा को देश के अलग अलग संस्थानों के वैज्ञानिक एनालिसिस करेंगे। डेटा का एनालिसिस कर वैज्ञानिक सूर्य के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और नए तथ्यों को दुनिया के सामने लाएंगे। इसमें BHU और IIT BHU के वैज्ञानिक भी हैं जिसमें कुंवर अखिलेंद्र प्रताप सिंह भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि चंद्रमा और सूर्य दोनों में काफ़ी अंतर है। सूर्य एक तारा है जिसके सतह पर आग की लपटें हैं जो वहाँ वायु प्लाज्मा प्रभाव गैस क्लाउड मोशन और विस्फोट के कारण उत्पन्न होती है। तो इस मिशन के बारे में किसी न किसी रूप में जानकारी हम लोगों को शुरू से ही मिलती रही। जब मैं बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर से किसी न किसी रूप में जुड़ा रहा 2005 से ही, और जब मैं अपने स्टडीज को आगे बढ़ाने के लिए जब मैं क्योटो में भी था, क्योटो यूनिवर्सिटी जापान में, वहाँ पर भी ये बात अक्सर आती थी कि इसरो जो है वो सन को स्पेस से ऑब्जर्व करने के लिए एक काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग मिशन जो है वो डिज़ाइन और डेवलप करना चाहता है। उसमें जितने भी यंग लोग अपकमिंग लोग हैं जो उस एरिया में काम करते हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जब मैंने BHU ज्वाइन किया तो उसमें मैं उनकी जो साइंस डेफिनेशन टीम है वो आदित्य L1 की एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, उसकी जो एक्सटेंडेड साइंस डेफिनेशन टीम है उसमें मैं जुड़ा हूँ और मैं मेरा जो रिसर्च है वो इसी एरिया में है, सोलर एस्ट्रोफिजिक्स में, या सन को हम लोग बहुत डिटेल में स्टडी करने का प्रयास करते हैं। मेरी खुद की जो रिसर्च है उसमें हम क्योटो यूनिवर्सिटी के जो ख्यातिलब्ध जो अनुसंधानकर्ता हैं या जो सीनियर प्रोफेसर हैं उनके साथ हम टाइम टू टाइम कोलैबोरेट करते हैं, और इसमें हमारे साथ कुछ लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी जुड़े हुए हैं।